ध्यान देना। पहला है इसमें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोई चालक का बात हम लोग करें तो मान लेते हैं कि ये चालक है, ठीक है, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, सबसे पहले क्या कि मान लेते हैं कि दोनों चालक के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। क्या बोले हम कि दोनों चालक के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट विभवांतर हो गया। और इधर से कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है सर ये एक है? वोल्ट कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो गुजरेगा तो क्या इसको प्राप्त हो जाएगा, ऊर्जा। इसको क्या होगा, इसको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा मिली उसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, है ना? आसान है। आंसर क्या लिखेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरता है, 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो प्राप्त ऊर्जा, कौन प्राप्त कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो प्राप्त ऊर्जा ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, ठीक है। आया समझ में? देखो सबसे पहले हम लोग लेंगे माना m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, ठीक है। और इस पर कह रहा है कि F बल आरोपित होना अच्छा हो, तो क्या बोल रहे थे, माना m द्रव्यमान की वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में है, तथा F बल आरोपित होने पर, F बल आरोपित होने पर वस्तु में क्या त्वरण उत्पन्न होता है, A त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वस्तु S दूरी तक क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती, विस्थापित होना मैंने आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इसका मतलब देखो फिगर से समझ में आएगा, इसका कहना है कि मान लिया जाए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m, और इस वस्तु पर क्या आरोपित हो रहा है, बल F, ठीक है। तो जैसे ही आरोपित हुआ तो शुरू में कह रहे हैं कि यह वस्तु क्या है, विरामावस्था में, यानी जीरो, इसका स्पीड क्या है, जीरो है, और कह रहा है कि जैसे ही इस पर वस्तु पर बल आरोपित हुआ तो वस्तु क्या दूरी तय किया, S, और S दूरी तय करने के बाद वस्तु आगे बढ़ा, तो जब भी वस्तु आगे बढ़ेगा तो उस पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण, तो यानी कि इसका वेग हो जाएगा अब क्या, v, और इस पर उत्पन्न क्या हो जाएगा, a, यानी भी वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गति के समीकरण का उपयोग करेंगे, लिखेंगे गति के समीकरण से, तो गति के समीकरण से हम लोग पढ़े हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या जीरो है, u प्रारंभ में उसका क्या था, वेग जीरो था ना, तो फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर, यहाँ जीरो का स्क्वायर 2as, तो बच जाता है क्या 2as बराबर क्या v स्क्वायर, ठीक है। अब आगे तो अब इसमें बचा 2as, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे इससे, as निकाल लेंगे, तो s बराबर होगा v स्क्वायर, अब बाय हो जाएगा 2a,
ठीक है, एस का वैल्यू हो गया वी स्क्वायर बाय 2a, इसको हम लोग मान लेंगे क्या समीकरण। अब यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि गति के दूसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से हम लोग पढ़े हैं कि f बराबर क्या होता है ma, अतः किया गया कार्य कार्य का फॉर्मूला क्या होता है w बराबर f गुना s, पढ़े हैं ना, तो f गुना s में फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसको मान लिए हम लोग क्या समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड दोनों का उपयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं किससे सेकंड से, तो w बराबर क्या हो जाएगा f का फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ m a, और s का फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर बाय 2a, तो यहाँ पर a और a क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा 1/2 और m भी स्क्वायर, ये कार्य हो गया। अब यही कार्य के बारे में जब हम ऊपर लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा कि यह किया गया कार्य क्या होगा गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, या लिखेंगे यही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा है, इसके बारे में लिखेंगे यह किया गया कार्य कार्य ही क्या है गतिज ऊर्जा है। जब गतिज ऊर्जा है तो k बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, यह सूत्र बन गया। माना m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से गतिशील है, उसमें गतिशील नहीं था, काइनेटिक एनर्जी में क्या था गतिशील नहीं था, यहाँ पर गतिशील पहले से है, u वेग से गतिशील है, तथा f बल आरोपित होने पर वस्तु पर a त्वरण उत्पन्न होता है होता है और वस्तु s दूरी तय करने के बाद कौन सा वेग प्राप्त कर लेगी भी वेग प्राप्त कर लेती है। प्राप्त कर लेने का मतलब क्या, वो भी वेग हो गया, उसका यू वेग किस में कन्वर्ट हो गया भी में, ठीक है। हाँ, अब चित्र से समझ लो, वस्तु यहाँ पर है जिसका द्रव्यमान क्या है m, और इस वस्तु पर क्या बल लगा f, f बल जैसे लगा तो क्या उत्पन्न हो गया a त्वरण, और a त्वरण उत्पन्न होने के बाद ये वस्तु कहाँ त्वरण कितनी दूरी तय किया s, और s दूरी तय करने के बाद इस वस्तु का जो वेग हो गया उस वस्तु का वेग हो गया v, पहले वेग कितना था u, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से हम लोग पढ़े हैं कि a बराबर या s बराबर ही ले लो, कार्य ऊर्जा पर में निकालना है तो s बराबर फॉर्मूला होता है v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। हम लोग यहाँ उसमें पहले वाले में भी s निकाले थे, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2a, इसको ले लिए समीकरण फर्स्ट, और फिर लिखेंगे गति के दूसरे नियम से फॉर्मूला होता है f बराबर ma, समीकरण क्या सेकेंड। अब लिखेंगे बल f द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे, तो w बराबर फॉर्मूला f गुना s, तो f का मान कितना लिख देंगे ma, और s का मान क्या लिख देंगे v स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2a, है ना। तो यहाँ 2a लिखने के बाद कटेगा कौन कौन, a कैंसिल होगा, तो बच जाता है कौन एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाय क्या 2, अगर हम दोनों को अलग अलग कर दे तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, और इधर कौन है कार्य। तो यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या निकला, ये क्या निकला कार्य, और ये क्या निकला गतिज ऊर्जा में अंतर, नहीं निकला गतिज ऊर्जा में अंतर, अर्थात यही क्या है कार्य ऊर्जा प्रमेय है।
कार्य ऊर्जा प्रमेय का सही मान आंसर क्या निकला कि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य के उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि डब्लू बराबर डेल्टा के, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, यानी क्या हुआ, किसी वस्तु पर अगर गतिज ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वह गतिज ऊर्जा में अंतर होगा, यानी शुरू वाला गतिज ऊर्जा और बाद वाला, तो बाद वाले गतिज ऊर्जा में शुरू वाला घटाएंगे तो गतिज ऊर्जा में अंतर हो जाएगा और वो किए गए कार्य के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब भी आता है। रफ कर लो, देखो अगर वैसा है तो ठीक है।